क्या बात है बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे अरे, बिना नहाए चलो पहले नहा लो। जी। वैसे रचना, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तुम गुंजन से थोड़ी खींची खींची लग रही हो। कोई तो बात है बेटा, इस मनमुटाव को कहीं ना कहीं खत्म तो करना ही होगा ना। ऐसी कौन सी बहनें हैं जिनके बीच में छोटी बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन उससे भी बड़ा होता है उनके आपस में उनका प्यार। और फिर गुंजन तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे लिए उसने कितना कुछ सहा है ना? आप भी उसकी गुणगान कर रही है, सिर्फ उसी की तरफदारी। रचना, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, हम तो बस ये कहना चाहते कि जहां प्यार है वहां कोई कड़वाहट नहीं रह सकती। रहने दीजिए मम्मी, हम सब जानते हैं। हे भगवान, क्या हो क्या गया इस लड़की को? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। धत तेरी की, कुछ भी नहीं। पर उसने कहा क्या? कहना तो दूर की बात है, वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है। दो पल बैठ के हमसे बात तक नहीं करते, बस हमें अवॉइड करते रहते, या फिर घर से बाहर रहते। पर चारू, तुम तो कह रही थी कि तुमने सारी प्लानिंग कर ली है। वो तो हमें समझ नहीं आ रहा, हमने उन्हें खुद सुना था सब कुछ प्लान करते हुए। पता है, उन्होंने हमें हक भी किया था, उनके टच से तो सातवें आसमान पर पहुंच गए थे, और हमें किस भी किया था। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, वो एकदम से चले गए और हमारा पूरा वैलेंटाइन डे चौपट कर दिया। कहीं मयंक ने ये सब गुंजन के लिए तो नहीं किया था? नहीं नहीं चाची, अगर ऐसा होता तो वो हमें किस ना करते। रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। सासु माँ, क्या बात है, हाथ में गुलाब और गाना रजनीगंधा वाला। अब बेटा वो, वैसे हम पूछ सकते हैं, आज ऐसा है क्या जो आपने बालों में गुलाब लगाया हुआ और आप अपने हाथ में गुलाब लेके घूम रही हैं? वो तुम्हारी चीजा थी, वो लेकर आए हमारे लिए, और हमें भी ना ये उन्होंने दिया है। हाँ अच्छा है, बोलो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अच्छा बाबा चिल्लाओ मत, क्या हुआ बोलो। चिल्लाने वाली बात जो है, आज वैलेंटाइन डे है यार, हम तो बहुत एक्साइटेड है। आज ना कॉलेज में सज धज के जाएंगे, फिर देखना कम से कम 20 लड़के तो हमें प्रपोज करने वाले, इसलिए फुल ऑन तैयारी में। रचना, रास्ते में जाते वक्त तुम्हारे लिए गुलाब ले ले, तुम्हें प्रपोजल मिलने के चांसेस हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं नहीं छाया, उसकी कोई जरूरत नहीं, ना हम किसी को रोज देने वाले और ना हमें मिलने वाला। ये प्यार व्यार सब नाटक है, बहुत हो चुकी है बकवास। प्यार का क्या है, आज है कल नहीं, सिर्फ यादें रह जाती है जो बुरे सपने से ज्यादा डरावनी और कड़वी होती है। लेकिन हमें इन यादों में नहीं खो जाना है, जिंदगी में कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। अच्छा कॉलेज में मिलते हैं, तभी बात करेंगे।
मयंक गर्ग हैं? Yes. उनके नाम का कुरियर है, हमें दे दीजिए। मयंक जी, आपके लिए लेटर आया। सुनो, तुम दोनों नाश्ता करके साथ में निकलना। नहीं नहीं मम्मी, वो कॉलेज में चाहे हमारा वेट कर रही है, हमें जल्दी है। गुंजन दीदी, गुंजन दीदी, हमने ना आपके लिए एक कार्ड बनाया है, ये लीजिए। ओ, हाउ स्वीट, थैंक यू माय डियर डोलू। मयंक जी, किसका लेटर है? क्या है मयंक बेटा? प्लेसमेंट एजेंसी से लेटर है, जॉब ऑफर है। मुंबई में पोस्टिंग है। मुंबई? भाई, मुंबई से आया तो फिर तो बेटा बहुत बड़ी कंपनी होगी, है ना? जी माँ, बहुत बड़ी कंपनी है। वाह बेटा, शाबाश, सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ दीदी, बेटा अब बस कुछ सोचो मत, जल्दी से हाँ कर दो। पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं क्या करेंगे। अरे मयंक जी, कुछ सोचिए, देखिए मत, बस हाँ कह दीजिए। देखा, हमारी बहू कितनी भाग्यशाली है। अरे जब से इस घर में आई है ना, तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब देखो, तुम्हारे लिए भी कितना अच्छा अवसर लाई है। बेटा, अब ज्यादा सोचो मत और हाँ कह दो। हाँ माँ, जवाब जल्दी ही देना होगा, नहीं तो ये मौका हाथ से छूट जाएगा। बेटा ऐसा करो, अभी फोन करो। हाँ मैं जल्दी से फोन करिए। मौसी जी, मैं चलती हूँ। लेकिन बेटा नाश्ता? नहीं, मैं कॉलेज में ही खा लूंगी, मुझे देर हो रही है। रिलैक्स, भूल दिया उसने, कोई ताजमहल नहीं, सीधी खड़े रहो। रक्षा, हम एक्साइटमेंट के चक्कर में बेहोश होने वाले, कोई हमें फोन दे रहा है, कैन यू बिलीव इट? गुलाब और हमारे लिए, चलो। Tira, 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 tira
रचना, लिसन। इसके मुंह मत लगो रचना। चलो। हे गर्ल्स, कहाँ भाग रही हो? मैं तो बस ये इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। रचना, स्पेशली फॉर यू। टेक इट। लो ना। कल तुमने चिल्ला चिल्ला कर मुझे कुछ भी कहा, बट मैं तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल के एक कोने में सिर्फ विहान बसता है। आई एम रियली स्पेशल फॉर यू, है ना? सॉरी बॉस, तुम्हारी गलतफहमी तुम्हें मुबारक हो। इसका दिल कोई समाज सेवक केंद्र नहीं है। चलो रचना। ओके ओके ओके, क्या ये सच कह रही है रचना? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? सो प्रूव इट, आज मेरी पार्टी में आके प्रूव करो कि तुम मेरे साथ रहकर, मेरे पास रहकर मुझे इग्नोर कर सकती हो। गट्स हैं चैलेंज देने का, आगे बढ़ने का, बताने का कि विहान मेरे लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। कैन यू प्रूव इट? बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू इन द इवनिंग। और इस रेडियो को भी लेके आना साथ। यही तुम्हारी सभ्यता है? इंग्लैंड और अमेरिका को नकल करते हो तुम लोग। प्यार अब गुलाब और कार्ड पर निर्भर होने लगा, यही है भारतीय संस्कृति? यही सब करने आते हो कॉलेज? हाँ, ये बैग में क्या छिपा के रखा है? सबके सबके बैग चेक करो, और जो कुछ भी कार्ड और गुलाब सब निकलता बाहर निकाल के फेंको। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं आपको, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, वैलेंटाइन डे पाश्चात्य सभ्यता का हिस्सा है, बेशर्मी और बेहूदगी से भरी हुई सभ्यता। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी को भी जाके खुलेआम आई लव यू बोलोगे? कान खोल कर सुन लो तुम सब लोग, अगर आज के बाद ये दिन किसी ने भी इस कॉलेज में मनाया ना, तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुमसे मतलब? हमारी बैग में क्या है क्या नहीं? हाँ, और तुम होते कौन हो हमारी पर्सनल लाइफ की ठेकेदारी लेने वाले? क्या तुम्हारी सभ्यता ये सिखाती है कि किसी लड़की से ऐसे बात करो, उससे बैग छीनो, डराओ, धमकाओ, अपने बनाए हुए कानून उस पर थोपो? यही है तुम्हारी भारतीय संस्कृति जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है? हाँ, ज्यादा चपट चपट मत बोल, हम संस्कृति के रक्षक हैं। तुम क्या जानो संस्कृति और नेचर और कल्चर? कल्चर? ये है तुम्हारा कल्चर? ये ऐसे डराना, धमकाना, गुंडागर्दी करना, इसे बचाने चले हो तुम ऐसे हॉकी स्टिक्स और लाठियां लेकर? एक दिन जिसमें दो लोगों का प्यार एक दूसरे से बढ़ता है, उससे कौन सी सभ्यता में प्रॉब्लम आ सकती है? टेल मी। ए, ये विदेशियों की भाषा बोलना बंद करो। रियली? ये सब विदेशी है? हाँ, तो फिर तो टीवी भी विदेशी हुआ, फोन्स भी, कंप्यूटर भी, उठाकर फेंक दो, क्यों इस्तेमाल करते हो? अरे भैया, अगर किसी चीज की रक्षा करनी है ना, तो अच्छाई की बुराई से करो, निर्बल की शक्तिवान से करो, उन औरतों की रक्षा करो जो अपने ही घर में बेघर है, बेइज्जत है, जिन्हें सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि औरतों की रक्षा करना और उनका सम्मान करना ही भारतीय संस्कृति है। जिस घर में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की पूजा की जाती है, उनकी रक्षा करोगे तो शायद भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले कहलाओ। पर टपर बहुत बोले जा रही है, इधर लाएं। तुम हैं? बस, तुम लोगों को कॉलेज के अंदर आने से मना किया गया था, फिर भी इतनी हिम्मत, लगता है एक बार में बात समझ में नहीं आई।
और हीरो हीरोपंती दिखाने के और भी तरीके हैं, जाओ उन्हें पहले ढूंढो जो सही हो और समझदार हो। इस तरह बनारस का नाम बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। I just want to know कि तुम लोगों को ये अथॉरिटी दी किसने कि आओ और हमें संस्कृति के मायने सिखाओ। तुम जैसे घुंटों की जगह यहाँ नहीं है, कहीं और है, इसलिए बेटर यही होगा कि अभी इसी वक्त यहाँ से चलते बनो। ए, हम गुंडे नहीं है, हम एक्टिविस्ट है, समाज सुधारक, और हम जानते हैं कि हमारे देश हमारे ही माँ बेटियों के लिए क्या सही और क्या गलत। बहुत बढ़िया भाषण दिया, अब यही भाषण जरा चलकर हवालात में दे दो। एक आजाद देश का नागरिक जो चाहता है वो कर सकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 यह हक सभी भारतवासियों को देता है, और तुम जैसे पाखंडियों को गिरफ्तार करने का भी जो ऐसे वक्त में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। हवालदार ले चलो सबको। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, ये लीजिए, ताकि जब भी आप इसे देखें आपको याद आए कि इज्जत और आजादी प्यार के साथ साथ चलती है। प्यार देंगे तो बदले में आपको प्यार ही मिलेगा। लिव एंड लेट लिव। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Thank you so much. Thank you for what? Thank you for doing my duty. Come on, Gunjan. Anyway, all of you, go back to your classes. वाह गुंजन, तुम फिर से महान बन गए हमें बचा कर। ये चाहती थी ना तुम। चलो चलो। सच रचना, विहान ने तुम्हें इनविटेशन दिया है, तुम आओगी क्या? बताओ ना। हाँ, मत आओ। अच्छा है, वैसे भी विहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बाद आना भी नहीं चाहिए। हम जाएंगे जी, हमें जाना ही पड़ेगा। उसने इतनी बेहूदी हरकत की है कि हम भी दिखाकर ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। कमाल करता है यार। गाइस, हाय हाय गाइस, उनका चेहरा देखने लायक, दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया, लेटर बॉक्स की तरह। दोनों बहनों को इनवाइट किया, एक म्यान में दो तलवारें, इट्स गोना बी फन। अरे यार, हॉट गर्ल्स के लिए कुछ कूल म्यूजिक लगाना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। या यार, कुछ रोमांटिक वैलेंटाइन डे नंबर ना। पर यार, पॉइंट तो ये है कि ये गाना किसके लिए बजाएगा? तेरे पास तो लड़कियों की लाइन लगी है, और आज की टॉप ऑफ द चार्ट है गुंजन और रचना। गाइस, हवा महल मत बनाओ, दोनों हीरोइन में से एक भी नहीं आने वाली, और अगर आ भी गई ना तो डांस करने से रही, डिप्रेशन में जो है। अच्छा सुनो गाइस, करो सबसे कह देना कि स्टे अवे फ्रॉम देम, कोई उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देगा, राइट? वैसे आ जाए तो मजा आ जाए, थोड़ा बदला लेना बाकी है।